Example number 7. क्या कह रहा है सर? टू चार्ज, आपके पास में दो चार्ज मौजूद है, 3 × 10⁻¹. ए को चार्ज है q1, इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻², और एक q2 आपको दे रखा है −2 × 10⁻². आर लोकेटेड 50 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि आर आपको दे रखा है। At what point on the line joining the two charges is electric potential zero? इन दोनों ये क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, दो चार्ज है q1 एंड q2, दोनों को r डिस्टेंस पे लगा लिया। इसने पूछा है at what point on the line joining के किस पॉइंट पर टू चार्जेस लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, इन दोनों के बीच में आप कौन सा कितना बड़े पॉइंट हो गए जहां पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, पोटेंशियल क्या होना चाहिए जीरो। मान के पॉइंट भी दे रखा है, मान लेते हैं यहां पॉइंट है, मान लिया वो पॉइंट के ऊपर अपन मान लेते हैं कि पोटेंशियल जीरो है, आपको ये डिस्टेंस तो पता ही है, आपको आर दे रखी है, अपने को नहीं पता ये पॉइंट कहां पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चार्ज के बीच में बड़ा गैप इस लाइन जॉइनिंग के ऊपर कहां पर ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट की पोजीशन आपको बतानी है जहां पर इसका पोटेंशियल क्या हो जीरो। तो मान लो कोई पॉइंट है ओ पॉइंट है, तो इसके ऊपर दो पॉइंट होंगे जिनसे पोटेंशियल, पोटेंशियल इनटू q1 और पोटेंशियल इनटू q2, अब इसके ऊपर जीरो होना चाहिए, देखा नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए जीरो, नेट पोटेंशियल जीरो कब होगा, कौन सी कंडीशन में जीरो होगा, यहां पे पोटेंशियल दो की वजह से लग रहा है, तो नेट पोटेंशियल जीरो कब होगा जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो इक्वल, बराबर हो लेकिन अपोजिट, अपोजिट तभी तो जीरो हो गया ना, यानी कि कुल मिला के इसकी वैल्यू जो है जीरो होनी चाहिए, आप कह सकते हैं कि दोनों का टोटल जो है वो क्या है जीरो आ जाए, क्लियर है। तो यानी कि पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू वन इसके बराबर हो पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू टू, मैं इसे कैसे लिख देता हूं, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू वन इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आना चाहिए, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू टू, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए अब आपको कोई नहीं बताया पॉइंट कहां पर है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां से एक्स डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर माइनस एक्स, और ये होगा ना मान लिया अगर कि ये पॉइंट यहां से एक्स डिस्टेंस पर है, यहां से आर माइनस एक्स हो जाएगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है टू पॉइंट चार्ज ए क्यू ओपन आर के q1 upon r, यानी यहां से डिस्टेंस x और ये आ गया ना इक्वल टू a q2 upon r माइनस x, r माइनस x ये है। अब देखो ए से के कैंसिल, क्यू वन की वैल्यू कितनी है बी मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस ए एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, एक्स ही तो निकालना हमें, वो क्यू टू की वैल्यू माइनस का टू मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस का ए अपॉन आर माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो आगे,
अब अपने काम कर लेते हैं यहाँ पर, इनको रेसिप्रोकल कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए अगर तो यहाँ माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री काम आप यहाँ पे क्या करते हैं माइनस थ्री को देना वैल्यू कैसे होनी चाहिए इक्वल है ना ऑपोजिट, तो इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना कि माइनस की बराबर, तो माइनस करेगा तो माइनस थ्री वापस प्लस हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल लिख देता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए इजीली, आप चाहो तो ये काम करो tan की पावर माइनस थ्री से tan की पावर माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, ठीक है तो x अपॉन थ्री हो जाएगा, x अपॉन थ्री इक्वल टू r माइनस x अपॉन टू, ये बनेगा x upon 3 equals to r upon 2 minus x upon 2 minus x upon 2 इधर आएगा plus हो जाएगा x by 3 plus x by 2 equals to r by 2, ये कितना हो गया एक्सर हो गया 6 आएगा एक्सर 2x plus 3x equals to r by 2, r की वैल्यू अपने पास है 15 सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 अपॉन टू राइट है, ये रहना यहाँ से ये हो गया 5x डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया 3 बार, x को निकालना है x इक्वल टू 5 बाय 3 है 5 बाय 3 तो चला जाएगा 3 बाय 5 3 बाय 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 5 से कैंसिल 3 मिल गया 9 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है तो अपर 10 की पावर 2 को हटा दो 9 सेंटीमीटर, यानी कि Q1 से 9 सेंटीमीटर दूर पर वो पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी 0 0 0 समझ में आया, देखो नहीं समझ में आया तो आप बोल देना को दो चार्जेस थे दोनों के बीच में r डिस्टेंस थी, r आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, अपने को ये पता लगाना था कि उसके बीच पे लाइन ड्राइंग के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट पोटेंशियल क्या हो जीरो, तो नेट पोटेंशियल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर दो की वजह से इसकी वजह से भी पोटेंशियल और इसकी वजह से भी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल एट ये और पोटेंशियल इक्वल टू होगी दोनों की वैल्यू जब बराबर होगी तभी तो यहाँ पर वैल्यू जीरो होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी कि पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू वन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू टू, तो वैल्यू लगा दी आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, कैलकुलेशन